आज मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिकन और ब्रिटिश जुबान में जो प्रोनंसिएशन का फर्क है उसमें ए वाले वर्ड्स, यानी तीन चार वजह हैं लेकिन ए वाली वजूहत। एक वर्ड है आल, जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश वाले इसे ओल बोलते हैं, अमेरिकन वाले आल बोलते हैं। जो आलसो होता है उसे ब्रिटिश वाले बोलते हैं ओल्सो, अमेरिकन वाले बोलते हैं आलसो। ब्रिटिश वाले बोलते हैं कास्ट, अमेरिकन वाले बोलते हैं कैस्ट, लेकिन इन दोनों में सी की आवाज़ फट जाएगी, खास्ट और खैस्ट। आगे पास और फैस, ब्रिटिश वाले पास बोलते हैं खड़ा करके, अमेरिकन वाले लिटा के बोलते हैं फैस, तो पी दोनों में फट जाएगा, फास और फैस। उसके बाद टास्क और टैस्क, हम टास्क बोलते हैं गलत बोलते हैं, तो ये टास्क ब्रिटिश में, टैस्क अमेरिकन में। उसी तरह बाथ जो है, बाथ जिसे कहते हैं, एक तो हम थे नहीं बोलते, वो गलत है, बाथ ये ब्रिटिश है, बैथ लिटा के बोलें तो ये अमेरिकन है। उसी तरह बास्केट ये ब्रिटिश है, बैस्केट, यानी एक ही अगर आवाज़ अगर खड़ी हो रही है तो ये ब्रिटिश ज़ुबान है, एक ही अगर आवाज़ लिटा दी जा रही है तो ये अमेरिकन ज़ुबान है, ब्रिटिश खड़ा करके अमेरिकन लिटा के, बास्केट ब्रिटिश, बैस्केट अमेरिकन। उसी तरह आंसर जो आप सब जवाब होता है, तो आंसर को ब्रिटिश वाले आंसर बोलते हैं खड़ा करके, अमेरिकन वाले एक को लिटा देंगे, आंसर, ठीक है। उसी तरह क्लास जो होती है, सबक जहाँ पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश वाले क्लास एक ही आवाज़ खड़ा करके बोलेंगे, क्लास, सी फटेगी उसमें भी, क्लास, और अमेरिकन वाले लिटा के क्लास। इसी तरह ग्लास, जिसे आप गिलास जिसमें पानी पीते हैं या शीशा, उसे ब्रिटिश वाले ग्लास बोलते हैं, अमेरिकन वाले लिटा के बोलेंगे, ग्लास बोलेंगे। आई एम अंग्रेजी वाला, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़, ताकि मेरी वीडियोज़ मिलते रहें।